मेरा नाम माही गुप्ता है, मैं 27 इयर्स ओल्ड हूँ। मैं नोएडा सेक्टर 50 में एज अ टॉम ऑपरेटर काम करती हूँ। मेरा नाम कुणाल माहौर है, मैं यहाँ पे हाउसकीपिंग की जॉब कर रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। करोल बाग के लिए आपको 51 के लिए टिकट लेना पड़ेगा, वहाँ से एग्जिट करनी पड़ेगी। टॉम ऑपरेटर के साथ साथ मैं टीम लीडर भी हूँ, जिसके लिए मुझे अपने टीम का ख्याल रखना पड़ता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका सोल्यूशन करना ये मैं करती हूँ। यहाँ का हमारा काम यही होता है, जो प्लेटफॉर्म और जितने भी यहाँ फ्लोर है उसकी हमें क्लीनिंग करनी होती है। हमारे टीम में 6 मेंबर हैं, मुझे इंक्लूड करके, जिसमें कि 4 ट्रांस वुमेन हैं, 2 ट्रांस मेल हैं, जिसमें कि 1 ट्रांस मेल और 1 ट्रांस वुमेन हाउसकीपिंग में है, और जो 3 ट्रांस वुमेन और 1 ट्रांस मेल है वो टिकट काउंटर पे है। मैं एक ट्रांस मैन हूँ, मैं फीमेल टू मेल हूँ। मैंने अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं फीमेल में पैदा हुआ था पर मैं मेल बन रहा हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। फीमेल टू मेल होता है, हम पैदा तो लड़की के रूप में होते हैं पर फीलिंग्स वगैरह सब बॉयज़ वाली होती है, और मतलब बिल्कुल पसंद नहीं होता हमें लड़कियों की तरह रहना। तो मैं ट्रांस मैन हूँ, फीमेल टू मेल हूँ। जैसे ट्रांस वूमेन होती है मेल टू फीमेल, ऐसे मैं ट्रांस मैन हूँ, फीमेल टू मेल। जो प्रोसेसिंग में रहते हैं, जो अभी मेल से फीमेल में कन्वर्ट होने के लिए वो प्रोसेस में हैं, उसे ट्रांस कहते हैं, और जो कन्वर्ट हो जाते हैं उसे ट्रांस वुमन कहते हैं। ऐसे तो देखा जाए फिजिकली वुमन और मैन कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना जेंडर पूरी तरह से फीमेल और मेल में कन्वर्ट कर लिया है। बट क्योंकि उन्होंने अपना जेंडर चेंज किया है, इसके लिए उसमें ट्रांस वुमन एंड ट्रांस मेल लगता है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी 8 साल पहले हुई थी। मेरी वाइफ पहले से शादीशुदा थी, उनके 2 बेबी थे, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। उन्होंने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया, उसके बाद मैंने उनको अपने बारे में बताया तो वो खुश थी कि हाँ ठीक है, आप चेंज हो जाओ, अच्छे से रहो। तो मैं चेंज हुआ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी सर्जरी प्रोसेस चल रहे हैं। पहले मैं चेंज नहीं हुआ था, तो मेरे को सब पूछते थे कि आप लड़की हो, लड़का हो, क्या हो। प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, बहुत से कमेंट भी करते हैं, मेरी वाइफ को भी कमेंट किया जाता है कि तुम किसके साथ रह रही हो, ये क्या है, ये लड़का ना लड़की है, किन्नर है, क्या है ये, बहुत कुछ कमेंट करते हैं लोग मुझे भी। और जब मैं जाता हूँ, जैसे जॉब के लिए निकलता है, बाहर कहीं सामान लेने के लिए निकलता हूँ, तो वहाँ भी मुझे बोला जाता है, बहुत अजीब तरह नज़रों से देखा जाता है और कमेंट किया जाता है कि पता नहीं ये क्या है। पर मैं उनको इग्नोर करके आगे बढ़ता हूँ, मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, पर बहुत प्रॉब्लम्स आती है हमारे साथ। पर यह है कि अब मैं चेंज हो गया, पर वही माहौल है, पर वो लोग नहीं बदलेंगे। वो लोग मुझे पहले जैसे ट्रीट करते कि एक लड़की है, एक लड़की था, लड़की है, अब क्या बन रहा है समझ नहीं आता, ऐसे कमेंट होते रहते हैं वहाँ। रेम्बो एंड प्राइड में, रेम्बो मीन्स LGBT कम्युनिटी के सारे पीपल्स, प्राइड मतलब कि उन्हें प्राउड है कि उन्होंने ट्रांस को यहाँ पे प्लेस दिया है, और यहाँ प्राइड मतलब जब हमारा प्राइड निकलता है तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं कि हाँ हम हैं, हमें भी इक्वालिटी का हक होना चाहिए, हमें भी एक समान हक मिलना चाहिए, और उस एक समान हक हमें नोएडा NMRC ने दिया है, तो इसके लिए एसोसिएशन का नाम प्राइड एसोसिएशन है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, मैं क्योंकि मैं बहुत अफसोस करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं इस चीज़ के लिए बहुत सैड भी रहता हूँ क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। मैं हाउसकीपिंग की जॉब नहीं करना चाहता, पर अभी तो मैं करूँगा क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, और मैं चाहता हूँ मैं पढ़ूँ लिखूँ और ग्रेजुएट हूँ मैं अच्छी जगह। मैं भी चाहता हूँ कि मैं टॉम ऑपरेटर या बहुत अच्छी जॉब करना चाहता हूँ। ये जो हमें एक अपॉर्चुनिटी नोएडा सेक्टर 50 ने दिया है, जो प्राइड स्टेशन के नाम से अब जाना जाता है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रांस वुमन, ट्रांस मेल, LGBT कम्युनिटी के लिए, क्योंकि सभी लोग ये बोलते हैं कि ट्रांस कम्युनिटी काम नहीं करना चाहती, LGBT कम्युनिटी काम नहीं करना चाहती, हम देने के लिए तैयार हैं, पर आज तक किसी ने दिया नहीं।
और दिया भी है तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, 1 मंथ 15 दिन, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारा स्टाफ आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, देन आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा या हम आपको नहीं रख सकते।